हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नाटक और एकांकी में अंतर। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, वहाँ पे नाटक और एकांकी में अंतर 4 नंबर का फिक्स ही होता है ज़्यादातर। चाहे आप लोग मैट्रिक में देख लो, या फिर पोस्ट मैट्रिक में देख लो, या फिर 10th 12th देख लो, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देखते हैं, वहाँ पे नाटक और जो एकांकी है उसमें आपका जो 4 नंबर जो है वो आपका फिक्स ही होता है ज़्यादातर पेपरों में। या फिर आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं हिंदी से अगर आप कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं भौकालपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए, तो आशा करता हूँ आप जो है इस वीडियो के सारे टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ पर नाटक और एकांकी। देखने से पहले थोड़ा संक्षेप में इसका जो है चर्चा करेंगे। जो नाटक है वो नाटक में जो है कई सारे पात्र होते हैं और कई सारे जो है इसमें जीवन का जो है समग्र चित्रण होता है, इसीलिए जो है ये काफ़ी सारा बड़ा भी होता है। नाटक में जो है कई सारे जो है पात्र होते हैं, जैसे कोई अभिनय करता है, मतलब कोई किसी का रूप धारण करता है, कोई किसी का रूप धारण करता है, कोई संवाद करता है, कोई ढोलकी नगड़िया बजाता है, कोई उसका गायन करता है, कोई उसका स्वर ताल मिलाता है, ठीक है। ऐसे ही कई सारे उसमें संवाद होते हैं अर्थात पात्र होते हैं, और इसका जो जीवन में इसका जो है काफ़ी सारा बड़ा होता है और इसका चित्रण भी पूरा का पूरा होता है, संपूर्ण होता है। लेकिन एकांकी में ऐसा नहीं होता। एकांकी चूंकि छोटा होता है और एक अंक वाला भी होता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कैसा होता है, एक अंक वाला, मतलब जिसमें किसी के जीवन के बारे में एक अंक, एक पक्ष या एक भाग कह सकते हैं, उसके बारे में जो है मुद्रित होता है या फिर मतलब वर्णन होता है। तो चलिए यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं आपका बिना टाइम को बताए हुए यहाँ पे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स है कि नाटक में अनेक अंक होते हैं, वहीं जो है इसके विपरीत एकांकी में क्या होता है, एक अंक होता है। नाटक में अनेक अंक होते हैं लेकिन एकांकी में केवल एक अंक होता है, ये महत्वपूर्ण है। अगर आपसे ऐसे ही वस्तुनिष्ठ में भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो आप बता देंगे एक अंक होता है। सो जो सेकंड पॉइंट है आपका कि नाटक में जीवन का बृहद चित्रण होता है, बृहद मतलब पूरा पूरा, ठीक है। वही जो है एकांकी में होता है कि किसी एक अंश या फिर एक पक्ष एक भाग का चित्रण किया जाता है, इसीलिए जो इसको पढ़ने में या फिर लिखने में कम टाइम लगता है, कम समय लगता है। तीसरा पॉइंट है कि नाटक में जो पात्र होते हैं, जो अभिनय या फिर संवाद या फिर जो अन्य कला करते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है, अधिक ज़्यादा होती है, ठीक है। कोई रावण का रूप निभाता है, कोई राम का, कोई सीता का, कोई अन्य का, तो इसमें जो पात्र हैं जो अभिनय करते हैं या फिर जो स्वरताल मिलाते हैं, उनकी संख्या जो है कम होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है मतलब। लेकिन एकांकी में ऐसा नहीं होता। एकांकी आप जो है खुद से भी वाचन कर सकते हैं, किसी अन्य भी कोई भी वाचन कर सकता है, तो एकांकी में जो पात्रों की संख्या होती है वो काफ़ी कम होती है। नाटक में अनेक घटनाओं का चित्रण होता है। जो नाटक होता है उसमें कई सारी घटना होती हैं, छोटी छोटी घटनाएँ, प्रासंगिक घटनाएँ, कई सारी जो घटनाएँ हैं उनका भी चित्रण या फिर वर्णन होता है। लेकिन एकांकी में जो है एक ही घटना का वर्णन होता है, ठीक है, किसी एक के ही बारे में जो है उसमें दर्शाया जाता है या फिर चित्रण या फिर वर्णन किया जाता है। अब देखेंगे कि नाटक का जो आकार होता है, ठीक है, जो नाटक का आकार एकांकी की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है। जो इसका आकार होता है एकांकी की अपेक्षा या फिर एकांकी से हम अगर तुलना करते हैं, तो ये जो है एक नाटक का आकार होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन एकांकी का आकार नाटक की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है और मतलब सीमित होता है, छोटा, ठीक है। तो अगर आप उदाहरण भी लिखना चाहते हैं तो उदाहरण भी लिख लें, अंधेर नगरी है, एकांकी का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि नाटक और एकांकी में जो काफ़ी सरल भाषा में आप लोग जो है कैसे एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, मतलब अंतर लिख सकते हैं या फिर उसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका जो एग्ज़ामिनर है वो आपको काफ़ी सारे मार्क्स जो है दे सकता है, ठीक है। अगर आप जिस जो जो पॉइंट हमने लिखे हैं, सो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको जो है काफ़ी सारे नंबर गेन हो सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से अच्छी मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से अगर आप इस वीडियो से थोड़ा भी सहयोग प्राप्त हुआ हो, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।